अनुष्का शर्मा के लिए ट्वीट करना भारी पड़ गया। वो भी ट्वीट एक महान शख्सियत के नाम पर किया गया था, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अलविदा कहने के बाद, जैसा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि सारे स्टार्स अपने ट्विटर पेज के जरिए अपना दुख या अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो अनुष्का ने भी दुख जाहिर किया और एक ट्वीट किया कलाम साहब के नाम। उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने कलाम साहब का नाम सही नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया एबीजे कलाम आजाद। ये लिखने के बाद उनके ट्विटर फैंस उन पर झपट पड़े और सब ने एक के बाद एक उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तब अनुष्का ने वो ट्वीट डिलीट किया, एक और ट्वीट किया और उसमें भी नाम में गलती दोहरा दी। इसके बाद तो उन पर पब्लिक का गुस्सा फूटना लाजमी था। तब अनुष्का ने फिर एक बार इस पोस्ट को डिलीट किया और फाइनली एक ट्वीट किया कि उन्हें बहुत दुख है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के दुनिया से चले जाने का। इट इज अ वेरी बिग लॉस टू ह्यूमैनिटी एंड टू द नेशन। इस तरह की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। एक सिंपल सी लाइन में उस शख्स का नाम गलत लिख देना जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान दुखी है, जो पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं एंड एवरीबॉडी लव्स आवर एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इतना इग्नोरेंट हो जाना अपनी कंट्री को लेकर, ये बात पब्लिक को रास आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल सही था और अनुष्का ने इस पर कुछ और रिएक्शन दिया भी नहीं। We'll be right back.